हेलो दोस्तों, कैसे? आशा करता हूँ सारे लोग सही होंगे। तो आपने आईपैड, आईफोन, आईपॉड तक सुना होगा, मगर क्या आपने कभी आई कार सुना है? जी हाँ दोस्तों, जब भी हम इस वर्ड आई को सुनते तो हमें आराम से पता चल ही जाता है कि भाई एप्पल के बारे में बात करने वाला है या कुछ एप्पल का प्रोडक्ट होगा। तो एप्पल अभी एक ऐसे प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पर काम कर रही है जो कि आने वाले कुछ टाइमों में तबाही मचा देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, एप्पल काम कर रही है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर, जैसे हमारे इलॉन भैया काम कर रहे थे टेस्ला के ऊपर। तो अभी जेफ बाबू को भी एक जोश चढ़ चुका है कि हम क्यों टेक में पीछे रहे, क्योंकि आपको पता होगा स्टीव जॉब्स जो है वो टेक गीक है, मतलब टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में खतरनाक दिमाग उनका भी, और इलॉन मस्क और बहुत सारे जो बैठे हुए हैं उन सारे के सारे दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है। बट एप्पल इतना लेट क्यों आई कार को निकाल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार को इतना लेट क्यों निकाल रहा है? तो इसके पीछे एक जरूर से एक बड़ा कारण हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 2017, 2016 और 2018 पर एप्पल इलेक्ट्रॉनिक कार्स पर काम कर रही थी। बट उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कार को कैसे बनाते हैं और उसका प्रोटोटाइप कैसे हो सकता है, एप्पल वालों को कुछ पता ही नहीं था। इसी वजह से उन्होंने कुछ समय के बाद वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। मगर बात बता दूं कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी है। अभी उनके पास ढेर सारे पैसे मौजूद है, ढेर सारे इन्वेस्टर मौजूद है और ढेर सारे फंड भी मौजूद है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी का एक एडवांटेज लेते हुए एप्पल भी सोचा कि हम क्यों यार इसमें पीछे रहे, एप्पल की भी कार्स होनी चाहिए, एप्पल की भी कुछ प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि रोड पर चल सके। तो एप्पल एक इलेक्ट्रॉनिक कार पर काम कर रही है जो कि देखने में फ्यूचरिस्टिक जैसी लगेगी, जैसे कि 2050 वाली या 2100 वाली जैसी कार्स होंगी, उस टाइप की मॉडल प्रोटोटाइप बना रहे हैं। एंड हाँ, अभी के लिए उस कार के प्रोजेक्ट के ऊपर 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं एंड उनकी सैलरी आप सोच कर ही देख सकती है, क्योंकि वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जब मेरे को ये पता चला कि एप्पल 2021 में ही वो कार लॉन्च करने वाली है, तो वो थोड़ा सा मेरे मन में एक इम्पॉसिबल वर्ड क्रिएट हो गया है, क्योंकि सिर्फ 12 महीनों में एप्पल ऐसा क्या कर देगी कि एक सिर्फ 12 महीनों में उनकी कार एकदम रेडी हो जाएगी, प्रोटोटाइप बन जाएगा और रोड पर चलने लगेगी और मार्केट वाले उनको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मगर कुछ समय पहले एप्पल ओरेकल ने ये बताया था कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में हमारी आई कार आ सकती है, मगर अभी फिर से एप्पल ने ये अनाउंस कर रहा है, अनाउंस नहीं मतलब ये सीक्रेटली काम चल रहा है, मैं आपको वीडियो में एंड तक बताऊंगा कि एप्पल ने अभी कहा है इनडायरेक्टली कि 2021 के थर्ड क्वार्टर तक, मतलब 2021 चालू होने के बाद कुछ महीनों, 3, 4, 6 महीनों के अंदर वो कार मार्केट में आ सकती है। मगर एप्पल ने अभी तक ऑफिशियली ये नहीं बताया है कि एक्चुअली में वो कार कैसी होने वाली है और उसका प्राइस कितने होने वाला है, कब तक लॉन्च होने वाली है और उसका प्रोटोटाइप कैसे होगा दिखने में, और वो एक्चुअली में बैटरी से चलेगी या फिर कुछ अलग ही माइंड चला रहे हैं अपने स्टीव जॉब्स। मगर हाँ, इतना जरूर से कह सकते हैं कि अगर एप्पल इतना बड़ा कुछ करने वाली है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं, वो एक वायरलेस, जैसे फोन आते हैं वैसे ड्राइवरलेस कार आने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे इलॉन भैया जो कि टेस्ला की कंपनी बड़ी बड़ी खड़ी कर चुके हैं, पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी सप्लायर्स में नंबर वन है, तो उसी टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक कार्स बिना ड्राइवर वाली लेने की पूरी कोशिश स्टीव जॉब्स कर रहे हैं। कुछ समय से पहले बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार पर काम किया था, अप्रूवल भी ले लिया था, जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर की कंपनी है जिस कंपनी का नाम है डाइसन, तो उन्होंने परमिशन तो ले ली थी और इलेक्ट्रॉनिक कार भी बनाना शुरू हो गए थे, बट उनको लास्ट में जाकर वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका था, क्योंकि उनको एक कमर्शियल कॉस्ट पर एक कार बनानी है जो कि लोग आराम से खरीद सके, मगर उनकी कार इतनी ज्यादा कॉस्टली थी कि कोई नहीं खरीदने वाला था उस कार को, ऐसे करके उनका वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया था। मगर इस डिजिटल वर्ल्ड में नंबर वन लीड करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है हमारे इलॉन भैया। कह सकते हैं कि हमारे इलॉन भैया है ना, वो मतलब 10 साल आगे की सोच रखकर ही कंपनीज पर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। मगर मैं ये भी बता दूं कि जब टेस्ला कंपनी आई थी वो बहुत सालों पहले ही आ चुकी थी, बट
हमारे इलॉन भैया को 2019 से 2019 से ही उन टेस्ला कंपनीज की कार और बैटरी से प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ था। उससे पहले तो सब घाटे में ही चल रहा था। वैसे हाँ, एक बात जरूर है कि एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स देखने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे कि आईफोन 13 और आईपैड के बड़े बड़े अपग्रेडेशन देखने के लिए हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। तो एप्पल के जो सुपर फैंस है वो अभी आई कार के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कब आई कार मार्केट में आएगी और कब हम उन आई कार को खरीद पाएंगे। तो अभी जब 2021 आएगा, 2021 जब खत्म होने को आएगा, तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एप्पल की जो आई कार है वो मार्केट में आ जाएगी, रोड पर चलने लगेगी। तो बस दोस्तों यार, आज का वीडियो इतना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे को भी दबा देना ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस आज का वीडियो इतना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।